हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मेरा मूड बहुत ख़राब है क्योंकि माई का आज शूट था। माई ने मुझे बोला कि अर्ली मॉर्निंग आना है। मैं सब कुछ रेडी कर आके मैं ऑन टाइम पहुंच चुकी हूँ और अभी तक कोई नहीं आया। मैंने विक्रम जी को फ़ोन किया, विक्रम जी बोल रहे हैं कि मेरा तो कंफर्म ही नहीं है। एंड बार बार कॉल करके कभी कोई बोल रहा है कि शूट कैंसिल है, कभी कोई बोल रहा है शूट कैंसिल है। मैं आ गई हूँ, मुझे यहाँ गाड़ी तो दिख गई है बट ये लोग गाड़ी के अंदर भी नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कहाँ है, क्या चल रहा है, कोई मेरा फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इस वजह से ना मेरे को बहुत गुस्सा आती है अगर ऑन टाइम कुछ भी काम नहीं होता है। मेरा एक मन आ रहा है मैं ना सब छोड़ छाड़। हाय राम, ये प्लान था? यस यस, यही प्लान था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे को वैसे इतना गुस्सा आ रहा है इन पे। आप लोग प्रैंक कर रहे थे ना मेरे साथ, ये देखो ये भी आ चुके हैं। अब कहाँ थे इतनी देर से? ये गाड़ी हमने इसलिए तो यहाँ लगाई थी कि तू आते ही सबसे पहले नजर गाड़ी पे पड़े और फिर तू हमें ढूंढना चालू करे। हम ये छिपे जगह इधर इस पीली दीवार के पीछे थे। हम पीली दीवार दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इसके लिए प्रैंक करेंगे। ये पीली दीवार है ना, हम इसके पीछे थे। हद है, मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ लोगों को, ये लोग फोन पिक नहीं कर रहे हैं। इतना गंदा प्रैंक था ना इनका, मैं क्या बताऊँ आपको। हम निकल चुके हैं और विक्रम जी ड्राइव कर रहे हैं प्रदीप जी की गाड़ी। और विक्रम जी ये भूल चुके हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी लॉक की थी या नहीं। तो अब हम वापस से उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे इनकी गाड़ी है। हम ऑलरेडी लेट हैं और सबसे बड़े लेट लतीफ़ ये हैं जो कि और लेट कर आ रहे हैं। माही, वाई आर यू सो लेट? यार वो प्रमोशन वाले ने बहुत दिमाग खराब करा। बोला 10 मिनट में आता हूँ, 10 मिनट में आता हूँ, आधा घंटा लगा दिया पूरा। सो हमारे बीच में एक डील हुई थी, जो शूट पे सबसे लेट आएगा वो हमें ट्रीट देगा। बट मैंने उससे पहले ही बताया थी, ये देख लो मैं सबूत देती हूँ भाई पर्ची का। कम गया यार वो प्रमोशन वाला, ये रहा। सबूत दिया है प्रमोशन का, इसीलिए मैं लेट नहीं हूँ। वी डोंट केयर, आज तो ट्रीट माही ही देगी। यार मेरे को आज चिकन खाने का मन है। अरे यार मेरे को तो आज मटन खाने का मन कर रहा है। यार देखो, इसे मटन खाना है, उसे चिकन खाना है। देखो मैं ना यार एक वीडियो खेत की कर लेते हैं। वो खेत यार एक वीडियो खेत बहुत ब्रांडेड चीजें यूज करती हूँ। तो मैं ज़ारा की कॉफी पीऊंगी। ये टैलेंट होता है और फिर इंस्टाग्राम पर ये बोलते हैं हमारे लाइक्स नहीं आते, हमारे व्यूज नहीं आते। फिर बोलती अरे मैंने जो दिया वो साउंड लगाओ। मैं यार वही तो लगाया, मेरे भी नया रात होगी। तो माही ने ये थोड़ी ना बोला था कि पूरा का पूरा साउंड उठा के पीछे लगा दो। तो ये भी नहीं बोला था माही ने कि वो पीछे वाला उठा के आगे वाला लगा दो। किसी का डायलॉग कभी उठा लेगा मुंह बोलेगा। विक्रम जी ऐसे आप करोगे ना किसी दिन माही अपना सर फोड़ लेगी। अरे फोड़, मैं लिटरली फोड़ लेती। 4 बार मैंने बोला ये कर दे ये कर दे, 5वीं बार मैंने खुद ही वीडियो दी है। माही ऐसे जोड़ना था, फिर तो इस बंदे का ना कॉल आया ना मैसेज नहीं देता ही। ये समझ गया था कि अगर मैंने अब कर दिया तो बवाल आएगा। अगर आप गुस्से में नहीं होते, एक बात बोलू, वो वीडियो भेज दू मैंने जो कर रहा था। यार तू डट जाए तो मैंने क्यों गुस्सा दिला। विक्रम जी क्या होगा आपका? हमारे एक अंकल थे तो वो उसमें बिजली वाले में काम करा करते, तो वो रोज ₹10 तो वो स्कूटर पे जाया करता। तो एक बोरी की बात हुई, याद है कि ना हुई? तो हमने देखा कि कुछ सालों बाद वो स्कूटर पे ना जा रहा, उसका छोरा छोड़ के आवे। हमने पूछ लिया क्या हो गया, बोला इसने पी नहीं छोड़ी। रियल स्टोरी है, मम्मी तो नहीं हंसे उस तो फिर स्कूटर ना चल ली। फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, सब लोग रेडी हैं, मैंने भी चेंज कर लिया है। सो हम शूट करेंगे। देसी देसी ना बोला कचोरी। अच्छा देखते हैं फिर आगे शूट कैसा होता है। हाँ, क्या लिखा है ये? केचुआ केचुआ। सो ये
जी बता रहे हैं, ये लिखा है केचुआ। हाँ, केचुआ। बहुत कंफर्टेबल है ये। उससे मेरा क्या फायदा? और ये प्रमोशन नहीं कर रहे हम, इधर रखिए। प्रदीप जी वापस से अपने वही देसी देसी वाले कुर्ते में आ चुके हैं, जो कि हर वीडियो में यही होता है, सेम परना होता है, सेम कुर्ता होता है, सेम चप्पल होती है, आदमी भी सेम होता है, बस किरदार अलग होते हैं, अंदाज अलग होता है। ओह माय गॉड, अंदाज अंदाज अपना अपना। ये हमारा सो बैग है कि हम इनको हमारे अब हम इनके साथ काम करते हैं। ओह माय गॉड, इतना मत उड़ाओ मुझे कि मैं हवा में गुम हो जाऊं। प्लेन पे लाके जा जा के जा जा से जा मेरे को मारना चाहता हूं। मैंने इसने मैं चप्पल मारा गिर गया। So, हमारा एक सीन शूट हो चुका था प्रॉपरली, और फिर प्रदीप जी को याद आया कि उनकी चेन दिख रही है 50 तोला। तो वापस से सारा सीन रीशूट करेंगे। तो आगे पैर में क्या फंस गया था? एडिटर कंफ्यूज रहा है, वो गलत सीन लगा दे। ये वाली कौन सी ली थी तुमने? याद है तुमने? करो तुम करो, वैसे ली थी। हर एक सीन में 10-10 डायलॉग ऐड हो जाते हैं। चलो चलो स्टार्ट है। नए जूते जो शूट पे फर्स्ट टाइम पहन के आई है, उन पे मिट्टी गिरने वाली है। संचय खेल रहे हैं प्रदीप जी। अबे ओ गवार, माही के जूते। बस ठीक है, गलत है। कैसे चीटिंग करनी पड़ रही है ना? हम इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे शूट कर रहे हैं। वाओ ब्यूटीफुल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप हो रही है। तो उससे मेरा क्या फायदा? बहुत मजा आ रहा है। अरे क्या कर रहे हो प्रदीप? चल लगी रोमांटिक पर जा। वही हॉलीवुड की वो फील लेके आते कॉस्ट्यूम में। प्रदीप जी ने जो गड्ढा कर दिया, गड्ढा कर दिया, पर एक बार भी इनका जूते पे नहीं लगा। अरे मैंने सोची मैं क्यों जूते खराब करे, एंड में जाके बेचारे विक्रम जी को करना पड़ा वो वाला सीन, जूते पे मिट्टी डालने वाला। अब विक्रम जी क्या कर रहे हैं, जब अनटैलेंटेड लोगों के साथ घूमते हैं ना तो ऐसा ही होता है, बार बार टेक लेते रहो, सारी गड्ढा करवा दिया पर मिट्टी भी डली। चलो फिर। अरे कभी तो कुछ कर लो, ये वो वाले हीरो हैं जो एक्शन हीरो तो कहलाते हैं पर एक्शन कोई और कर रहा है। प्रदीप जी आपने बताया नहीं, आपके पूरे खानदान ने देखे 1 लाख रुपए? ना नहीं देखे भाई। कितने जीरो हैं? 1 लाख में? चलो 1 लाख में 3 जीरो बदलेंगे। नपड़ा दे देना, पढ़ने की नहीं बना लेगी। परे ना या इधर मैं तो थक गई भाई। अबे इतने उड़े दे रहो मेरा, कोई नहीं फिर चलते हैं। एक बार मैं अकेले ले लो, आप अकेले डाल दो। विक्रम जी ने जब से प्रदीप जी के चेन पहनी है इतना टोरा मार रहे हैं, चेन दिखा दे खा के। ब्याह बताना मिली थी, ब्याह मिल रही है। काटे याद जाते मेजा। किसको दे रखी थी?
भाई तो तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, किसको दे रखी थी? नहीं किसको दे रखी थी तुमने? गाइज फाइनली हमने लंच कर लिया है एंड सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि हम लोग इतने भूखे थे, हमने फटाफट से सारा खाना खा लिया। चल छुट्टी अब हम वापस। असलियत बता लोगों को, असलियत बता। एक घंटा खाना खाया, यहाँ पर आके बोलती हूँ शिट मैंने खाना खाने का व्लॉग कर लिया ही नहीं। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है यार, सारे राज नहीं खोलने होते माही यार। कह रही हमने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और हम आ गए। ये देख गाइज मैं आपको बता देती हूँ, माही ना बहुत स्ट्रिक्ट है इसलिए उसने बोला यार व्लॉग व्लॉग छोड़ पहले खाना खा लेते और निकलते, और हम सीधा लोकेशन पे आ गए। माही ने बोला इसको कि व्लॉगिंग भी कर लिया अगर नहीं। ये देख गलत इंप्रेशन डाल दिया। और बोले बंद कर अभी तो, बंद कर। तो मैं अभी व्लॉग यहीं पे कट कर रही हूँ क्योंकि माही मेरी बहुत बेइज्जती कर रही है, बहुत बेइज्जती हो चुकी है, ज्यादा मैं झेल नहीं पाऊंगी, मैं रोने जा रही हूँ। बाय बाय, मुझे अपने घर जाना है। रोहित रोहित जुजू के पैया के जुजू के माऊ के होया कर, ये देख इसको कुछ नहीं, नहीं हमारे यहाँ पे यही बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? जुजू के पैया के, पैया के नहीं मैया के होया कर, पैया पैया। हम पहला सीन शूट करने लगे हैं और माही स्कूटी चला रही है, मुझे डर लग रहा है। रे तोड़े और ना मैं चला दूंगी, मैं तो और की जगह चला तो दोगी, ब्रेक तो लगा लोगी ना। आपका ये सीन हम वाइड में लेंगे और आप स्टैंड लगा के भगवान आज बचा लेना उसने के लिए। अब चल पड़ना इसको वहाँ छोड़ के फ्रेम में ना, दोनों चलेंगे तभी तो ये बोलेगी कि वो भी इतना पैसा, माही उसके पास तो बहुत पैसा, तभी तो मैं बताऊंगी। ब्रेक तो लगा लेगी ना क्या भाई, रास्ता नहीं पूछते तो उसको रोकते हैं भाई। रास्ता पूछने के लिए आए थे हाँ, रास्ता क्योंकि फिर पता चल जाएगा ऑडियंस को कि ये पैसे पर इतना जोर क्यों दे रहे हो। और प्रदीप जी नेक्स्ट वीडियो पे आपका कुर्ता नहीं बदला ने, आ मनना चाहिए। गाइज अभी एक सीन चल रहा है जिसमें माही और मेरा एक्सीडेंट हो गया है, ये माही यहाँ पड़ी हुई है, माही बेहोश है। सही लग रहा है, सही लग रहा है, सीन सही लग रहा है। हाँ मुझे भी आ रही है भाई, ये फिर ले लो, ऐसे ले लो, कट लग जाएगा मेरा बैग, ऊपर से लूंगा ऊपर से लूंगा। अब जब तक सारा सीन चलेगा तब तक माही ऐसी लेटे रहेगी। चलो कोई नहीं, मेरे डायलॉग कम है, चलो चलो अभी तो मैं भी बचूं डायलॉग से। सो गाइज ऑलरेडी टाइम हो चुका है पैकअप का एंड वीडियो का लास्ट सीन शूट हो रहा है, एज यू कैन सी पीछे सीन चल रहा है, मेरा सीन खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लेंगे चाय ब्रेक, चाय ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है, चाय की मैं बहुत बड़ी शौकीन हूँ, मैं बहुत देर से इसका वेट कर रही थी। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद हम चाय पियेंगे एंड फिर निकलेंगे अपने घर को, क्योंकि घर जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। एज यू कैन सी हम कैसी लोकेशन पर हैं, घर से काफ़ी दूर हैं। मिलते हैं चाय ब्रेक के बाद। लो भाई टी टाइम हो गया, टी टाइम नहीं हुआ, बैकअप हो गया। और चाय अभी आई है रोहित की। वर्दी जया ये क्या कर रही है? पैसे, मैं चोर हूँ मैंने पैसे भरे हुए ना, पैसे। अबे उसमें असली नोट भी हैं। अरे हाँ यार असली नोट भी हैं। और आपने गिन के दिए थे नोट इस बार हैं? कितने? 16 नोट दिए थे। 1600 नोट कितने हुए? 500 चाय पी ले ठंडी हो जाएगी, मस्त है। तो भाई देखो ये निकाल लो अलग।
बस खत्म, अब नहीं है मेरे पास एक भी। गिर जंग ये। अब मेरे पास एक भी नहीं है। इधर उधर होता है ना विक्रम तो देख जोया के पास ही होगा। ना मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैंने सब देख लिया। जोया का लेना पड़ेगा जाड़ा, जाड़ा जाड़ा लेना पड़ेगा जोया का। एक आधा वो भी देख लिया मतलब चेकिंग जो मेरा चल रहा पॉइंट एक नंबर के मार देंगे पर पॉइंट वन टेक में मारेंगे यार। ये मैंने 16 नोट करना लगते हैं जो अलग हो रही है जो अलग हो रही है हो जाएंगे। मैं भी होंगे कोई नोट इधर उधर देख ले और एक भी पॉइंट मना। अरे हाँ और है रुको ए जोया ओ डर गया कर जाना मुझे पहले सुन रही थी गोड़ मार जाऊं मैं चेक कर रही हूं ना कहां कहां पड़े हैं देख ले और थोड़ा सा उधर जाके देख ले। नहीं और नहीं है अब तो पक्का श्योर हूं। भाई देखो प्रदीप जी असली नोट ठीक कर रहे हैं और रोहित भाई नकली नोट ठीक कर रहे हैं। मन्ना बताया करो नकली है ये इनकम टैक्स पढ़न दो एक बार मैं भी देखूं किसी हो बस अब नहीं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और तो पूरे कर दिए तो गुम हो जाया करे इसी चीज में तो नहीं ले भाई ले ले जा कर दे ओए मेरी मैंने पी के रखी थी कौन सी रखी थी ये लो चाय ये मेरी ये तो गाइस इन लोगों ने मुझे रास्ते में छोड़ दिया है। रास्ते में नहीं छोड़ा ठिकाने पे उतारा तुम्हारे। आप लोगों ने मुझे रास्ते में छोड़ा है ठीक है चलो अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट मैन बाय बाय।